विनाइस ट्रिक। विनाइस टेबल की न्यू ट्रिक आई है जिसमें न्यू बिन है, और इस ट्रिक में आपको कोई वीपीएन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इजी मेथड है। अभी मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मार्च 12 9:53 हुए हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं कार्ड ऐड करना, जीमेल क्रिएट करना और परचेज़ करके भी दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ज़रूर ऑन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं कुछ किसी ट्रिक की या गिव अवे की पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं फुल प्रोसेस आपको करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में चला जाना है, क्रोम हो, यूसी हो, किसी भी में। वहाँ पे जाके आपने गूगल में जाना है और पेमेंट्स मेथड में जाना है, या अगर आपकी ऑलरेडी जीमेल बनी हुई है। अगर नहीं बनी तो आपने एक सिंपल जीमेल क्रिएट कर लेनी है, विदाउट वीपीएन सिंपल जीमेल आपने क्रिएट कर लेनी है। जब आप जीमेल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने कार्ड ऐड करना है। कार्ड कौन सा ऐड करना है, वही एमएक्स वाला, लेकिन इसकी जो बिन है वो चेंज है। जो बिन है वो डिस्क्रिप्शन मैंने दी है या अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको न्यू कार्ड ऐड करके दिखा देता हूँ। जो जीमेल है वो गेंस सुन लें कि वो सिंपल है, और अभी जो मैं कार्ड ऐड करूँगा इस वक्त भी मैं कोई वीपीएन यूज़ नहीं करूँगा। जो पिछली ट्रिक उसमें यूज़ किया था, लेकिन अभी कोई वीपीएन यूज़ नहीं करूँगा। तो अभी मैं आपको कार्ड ऐड करके दिखाता हूँ और इसी कार्ड से परचेज़ करके भी दिखाऊँगा। तो सबसे ये पहले कह रहे हैं कि कार्ड डिटेल एंटर करें। तो कुछ कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आपने वहाँ पे चेक कर लेने हैं। अगर नहीं तो आपने उसी बिन को जो primebox.ml वेबसाइट है वहाँ पे जाके न्यू कार्ड जनरेट कर लेने हैं। तो अभी मैं जो डिटेल है ये मैंने सेव की हुई है नोटपैड में, तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। तो सारी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं। तो जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो जब आप कार्ड ऐड करेंगे तो आपसे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपने वही टैक्स इन्फॉर्मेशन और डेट एंटर करनी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सिंपल, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी कार्ड ऐड किया हुआ, इस वजह से वो उसने टैक्स इन्फॉर्मेशन शो नहीं की, इस वजह से मैंने आपको शो नहीं किया। बाकी जो नेम वगैरह है वो बिल्कुल उसी तरह सेम है जैसे पहले था। तो आप देख सकते हैं MX8150 कार्ड ऐड हो गया। तो सिंपल जीमेल क्रिएट करनी है विदाउट वीपीएन, और जो कार्ड ऐड करना है उस वक्त भी आपने कोई वीपीएन यूज़ नहीं करना, और जो कंट्री सिलेक्ट करनी है वो ब्राज़ील सिलेक्ट करनी है। जब ब्राज़ील सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन और डेट मांगेगा, दोनों डिस्क्रिप्शन में हैं। उसके अलावा जो नेम वगैरह, एड्रेस, सिटी और जो स्टेट और जो पोस्टल कोड है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपने सेम एज इट वही पुट करनी है, और आपका कार्ड ईजीली और बगैर किसी एरर के ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आपने सक्सेसफुली टेबल को परचेज़ कर लेना है। तो अभी मैं इसी कार्ड से आपको परचेज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो अभी मैं आपके सामने इस अकाउंट में आपको उसी कार्ड से परचेज़ करके दिखाता हूँ, और आपने यही प्रोसेस करना है। कोई वीपीएन यूज़ नहीं होगा इस ट्रिक में, और आप इजीली इस ऑफर को बाय कर लेंगे। अभी मैंने स्टार्ट फ्री 3 डे ट्रायल्स पे क्लिक कर दिया है। तो अगर आपके पास वीकली आए तो आपने गेम का डेटा क्लियर कर देना है, वो आपने जो जीमेल है जीमेल जितनी वो साइड मूव कर देनी है, जो न्यू क्रिएट की होगी उसको जस्ट लॉगिन कर लेना है। तो आपके पास जो 3 डे ट्रायल है वो आ जाएगी। तो अभी ये ट्रांजेक्शन जो प्रोसेसिंग है ये कम्प्लीट हो गई है। तो अभी आप देख सकते हो 2533 ये पहला कार्ड ऑलरेडी एडिट था, लेकिन जो मैंने न्यू कार्ड ऐड किया उससे मैं आपको परचेज़ करके दिखाता हूँ। 8150 दोनों से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अभी मैंने न्यूली ऐड किया उससे परचेज़ करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया और प्रोसेसिंग हो रही है। तो अभी आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल, टाइम और डेट दोनों में आने आपको दिखा दिया था। अभी अगेन दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो मार्च 12, तो कोई एरर नहीं आया। कार्ड आपने उसी तरह ऐड करना है जिस तरह मैंने ऐड किया है या मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऐड किया है। तो काफ़ी भाइयों को तो अभी समझ लग चुकी होगी, जस्ट बिन चेंज है, ट्रिक वो ही है, सिंपल जीमेल क्रिएट करनी है विदाउट वीपीएन, और कार्ड को भी विदाउट वीपीएन ही ऐड करना है, और उसके बाद आप आसानी से इस टेबल को परचेज़ कर लोगे। तो उम्मीद है आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना है। प्रिया, अल्लाह हाफिज़।